हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स यस बच्चों हमने स्टार्ट की है टी वाई बी कॉम के फर्स फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फर्स्ट मॉड्यूल का दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा बच्चों की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत असेंशियल रोल प्ले करता है उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं उसके अलावा हमने देखा उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी सेकंड पार्ट में डिस्कस कर दिया कि जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट होता है यानी होम कंट्री जो इन्वेस्ट करता है और जिस कंट्री में वो इन्वेस्ट होता है जैसे हम कहते हैं होस्ट कंट्री उस कंट्री को क्या बेनिफिट मिलते हैं ड्यू टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या अगर फायदे होते हैं तो नुकसान भी जरूर होगा बच्चों तो व्हाट कॉस्ट हैज पे बाय दैट होस्ट कंट्री ड्यू टू एफ वो भी हमने देखा यानी लिमिटेशन है ड्रॉबैक्स ऑफ एफ टू होस्ट कंट्री तो दोनों हमने देखा यानी प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एफ टू होस्ट कंट्री नौ no, आज हम थर्ड पार्ट में देख रहे हैं एक शॉर्ट नोट बच्चों और वो शॉर्ट नोट है एफ आई पी बी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अब इसका नाम मैंने फर्स्ट पार्ट में भी लिया था सेकंड पार्ट में भी लिया था लेकिन थोड़ा थोड़ा किया था बच्चों आज हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं क्योंकि समटाइम शॉर्ट नोट्स में आपको इस चैप्टर में से यानी फर्स्ट मॉड्यूल में से हमें एफ आई पी बी जो है या एम जो है हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट यानी रोल ऑफ एम वो भी यहाँ इस चैप्टर से दो शॉर्ट नोट बड़े इम्पॉर्टेंट हैं दैट इज़ एफ या एम का रोल क्या है तो वो दोनों शॉर्ट नोट हम लोग लेकिन आज हम देखेंगे एफ अच्छा कभी कभी ऐसे भी आता है कि वॉट आर द फंक्शंस ऑफ एफ तो भी सेम है तो आज हम देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इन अ वेरी इजी वे एज यू नो दैट सिंपलिसिटी इज अवर मेन मोटो नॉर्थ बच्चों जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं पूरे नॉर्म्स हैं वो हमारी इकनॉमी में बहुत वेल प्रिपेयर्ड वेल डिज़ाइन जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं इसको हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत प्रॉपरली सिस्टमेटिकली फॉलो करती है इवेल्यूट करती है और धीरे धीरे हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको धीरे धीरे हम लिबरलाइज करते जा रहे हैं लिबरलाइज़ क्यों करते जा रहे हैं क्योंकि जहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्शंस हमें लगा कि हम कम कर सकते हैं हमने कम कर दिया और वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के रिस्ट्रिक्शंस को कम करने के बाद जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी इकनॉमी में आता है तो उसे हम इवेल्यूएट भी करते हैं उसका अप्रूवल देखने से पहले हम हर एक चीज़ को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कौन करता है ये सब ये करता है एफ सिंस नाइनटीन क्योंकि 1991 में जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 तो उस समय क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने 1991 में बहुत सारे एफ के रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने हटा दिया हमारी इकोनॉमी को एक, जो है वो ओपन इकोनॉमी बना दिया विद द हेल्प ऑफ थ्री मंत्रास दैट इज़ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन उस समय 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया कि एफ के लिमिट को हम कहाँ लेके जाएंगे अप टू फिफ्टी वन परसेंट और वो भी कहाँ प्रायोरिटी सेक्टर्स में प्रायोरिटी सेक्टर और उसमें एट दैट मोमेंट जब प्रायोरिटी सेक्टर्स में उन्होंने इस तरह से रिस्ट्रिक्शन को एक्सटेंड किया अप टू फिफ्टी वन परसेंट तो उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर में थर्टी फोर प्रायोरिटी सेक्टर्स की लिस्ट बनाई जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट फिफ्टी तक कर सकते हो अच्छा ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों एफ आई पी बी इसको उन्होंने सेटअप कर दिया एज अ पार्ट ऑफ एफ डी आई का प्रमोशन हमें अगर एफ डी आई को प्रमोट करना है तो एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो वेल well डिसाइड करेगी कि अप्रूवल किस किस को देना है अब जब हमारी इकनॉमी में ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बन गया जिसके थ्रू हमारी इकनॉमी में एफ को ईजिली अप्रूवल मिल सकता है अब जब इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है तो हमें पता है एंट्री दो तरह से होती है एक होता है ऑटोमेटिक रूट ऑटोमेटिक रूट यानी जितना परसेंटेज आपको एफडीआई डी है अगर आपने विद इन दैट परसेंटेज इन्वेस्ट किया तो देयर इज नो नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे हम देखते हैं कि कोल है लिगनाइट है माइनिंग है आईटी सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर है हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट बच्चों अलाउड है लेकिन जब हम इंश्योरेंस देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं उतना परसेंटेज आपको अलाउड नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस जब हम इसमें बैंकिंग सेक्टर्स में जाते हैं तो हमें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो दैट इज़ अप टू फोर्टी नाइन परसेंट जिसको धीरे धीरे करके उन्होंने एक्सटेंड करके सेवेंटी फोर परसेंट तक किया लेकिन अगर सेवेंटी फ़ोर परसेंट से ज़्यादा एफ आएगा तो यू रिक्वायर द परमिशन अच्छा अब ये जो एफ है इट वॉज़ नेशनल एजेंसी मैंने कहा ये एक नेशनल एजेंसी थी थी क्यों क्योंकि एफ ने 1991 से लेके 2017 तक अपना फंक्शन बहुत वेल परफॉर्म किया लेकिन 2017 में एफ को एबॉलिश कर दिया बच्चों इसको ख़त्म कर दिया अब वो कैसे हम लोग उसकी हिस्ट्री वो धीरे धीरे कर रहे हैं पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि एफ है क्या एफ जो है वो एक नेशनल एजेंसी है इंडिया इज़ हैविंग अ वेल डिजाइंड एफ डी आई के रेगुलेशन रिजिम यानी एरिया पूरे बहुत अच्छी तरह से हम रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए फ्रेम करते हैं स्पेशली फॉर एफ डी आई एफ डी आई एज रेगुलेटेड थ्रू वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नॉर्म्स एंट्री ऑफ एफ डी आई दो तरह से होती है एक ऑटोमेटिक रूट और एक अप्रूवल रूट अब जैसे हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक रूट आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो आप रेलवे में इन्वेस्ट कर रहे हो या सपोज मैंने कहा आईटी सेक्टर में या माइनिंग सेक्टर में या कोल सेक्टर में अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो हंड्रेड परसेंट ऑटोमेटिकली यू आर गिवन द परमिशन बराबर लेकिन अगर आप प्रिंट मीडिया में हो डिजिटल मीडिया में हो तो मोर नॉट मोर देन ट्वेंटी सिक्स परसेंट यानी ट्वेंटी सिक्स परसेंट तक आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन अगर आपको ट्वेंटी सिक्स परसेंट से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो यू रिक्वायर अप्रूवल आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए यानी यू रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो बस आपको अप्रूवल देना है आप अप्रूवल कौन देगा तो 91 में उन्होंने फ्रेम किया एफ आई पी बी को यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन था बोर्ड था ये एक नेशनल एजेंसी है नेशनल एजेंसी है जो फाउंड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एस एफ आई पी बी का जो मेन सी था मेन जो उनका पूरे बॉडी को वेल well, उनको डिसीजन लेने में प्रॉपरली हेल्प करता था यानी टॉप मोस्ट अथॉरिटी वो था फाइनेंस मिनिस्टर इसके लिए हम लोग कहेंगे कि एफ आई पी बी इट वॉज अ नेशनल एजेंसी फॉर्मड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसके नीचे बनाया गया इन 1991 इट ऑफर्ड अ सिंगल विंडो क्लियरेंस यानी वही सब आपको हर एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जितने भी आपको परमिशन चाहिए या डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है इंस्पेक्ट करना है परमिशन देना है कंप्लीटली बाय द एफआईपीबी अथॉरिटीज फॉर द एफ डी आई प्रपोजल विच डू नॉट कम अंडर द ऑटोमेटिक रूट जो ऑटोमेटिक रूट में नहीं आते हैं आपको परमिशन चाहिए तो कौन देगा वो आपको एफ देगा अब मेन क्वेश्चन अब बच्चे सोच रहेंगे आखिर एफ पी बी में कौन कौन मेंबर होता है जब 1991 में इसको बनाया गया तो इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ थी जिनके सेक्रेटरी को एफ आई पी बी का मेंबर बनाया गया इसके लिए हमारा नेक्स्ट जो हिस्सा है वो मैंने कंसिडर किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एफ पी बी यानी एफ आई पी बी के मेंबर्स कौन कौन है बच्चों वो ध्यान देना नंबर वन अगर हम चेयर पर्सन देखें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस यानी फाइनेंस मिनिस्टर मेन हेड रहता है कंप्लीट उनके हाथ में पावर रहता है दैट पर्सन हैज़ द कंप्लीट पावर टू टेक द डिसीजन फॉर द एफडीआई का अप्रूवल तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस जो है वो चेयर पर्सन पे रहता है नेक्स्ट हैं जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके सेक्रेटरीज जैसे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो इसका मेम्बर रहता है देन सेक्रेटरीज ऑफ डिप डी आई पी पी अब ये डिप मीन्स वर्ड दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ये बच्चों बनाया गया 1995 में अब वो जब बनाया गया तो उसमें उन्होंने क्या किया एफ आई पी बी को जो है वो इसके अंडर जो है उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया ये डी आई पी पी को उसके अंडर क्यों ट्रांसफ़र किया क्योंकि इट इनकरेज क्योंकि डी को पूरा उन्होंने पावर दे दिया इट विल ऑलवेज़ हेल्पफुल टू एफ टू इन द फॉरेन टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन जैसे हमारी इकनॉमी में मेट्रो आया बहुत से इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र आया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्पेशली केमिकल इंडस्ट्रीज रेलवेज एर, हमारे एयरलाइंस तो इन्होंने डिप ने काफ़ी सपोर्ट किया यानी डी आई पी पी दैट इज़ वॉट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इसको 1995 में इस्टेब्लिश किया गया ये किस में इंकरेज करता है बच्चों ये इंकरेज करता है फॉरेन टेक्नोलॉजी का कोलेबरेशन यानि एफ टी सी में हमेशा हेल्प किया इसका सेक्रेटरी भी इसका मेम्बर था अच्छा देन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसका भी सेक्रेटरी जो था वो एफ आई पी बी का मेंबर था देन सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिलेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स उनके भी सेक्रेटरी इसके मेंबर्स थे कौन से सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स Then secretaries of overseas Indian affair are the members of FYPB. jo secretary बी overseas yani hum jab यानी हम जब international level पे invest karte hain इन्वेस्ट करते हैं चाहे हम एफ पी आई में इन्वेस्ट कर रहे हैं एफ डी आई में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ के भी स्पेशली जो अफेयर्स को मोनिटर करता है वहाँ के भी सेक्रेटरीज जो है वो एफ आई पी बी के मेम्बर्स हैं देन सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू यानी आर बी आई आपको मालूम है वहाँ से भी हमको परमिशन चाहिए क्योंकि वही रिक्वायर फॉरेन करेंसी तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वहाँ का सेक्रेटरी भी इनका मेंबर इनको चाहिए दैन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस अब बच्चों हमने एम एस एम ई पूरा हमने सेक्टर देखा है बच्चों ऑलरेडी उसमें हमने देखा था एमएसएमई सेक्टर्स के लिए स्पेशली एक्ट बनाया गया एमएसएमई सेक्टर्स का एक्ट बना 2006 में तो वहाँ के सेक्रेटरी को भी एफ का हिस्सा बनाया गया क्योंकि हमने देखा था कि कुछ कॉस्ट में कुछ स्मॉल बिजनेसमैन जो बैकवर्ड एरियाज में आते हैं रिमोट इंटीरियर एरियाज में आते हैं उनको एफ का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था उनको वो असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा था उनको टेक्नोलॉजी का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था तो कॉम्पिटिशन जो है वो इक्वल जस्टिफाइड ग्राउंड पे नहीं दिख रही थी बच्चों तो इसके लिए सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस को भी एफ का हिस्सा बनाया गया ताकि उन इंडस्ट्रीज़ को भी एफडीआई का बेनिफिट मिले तो इसके लिए एफ भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें ये सब जो थे वो एक्टिव मेंबर थे नाउ बच्चों ये ध्यान देना इतने सारे सेक्रेटरी थे एग्ज़ाम में आप कोई भी तीन चार आप लिख सकते हो ज़रूरी नहीं है हम सब लिखें You should know it. आप लिखो अपने नोट्स में नो no प्रॉब्लम लेकिन एग्जाम में आप थ्री फोर भी बताओगे तो इट्स ओके ओके बच्चों अच्छा अब हम चलते हैं एफ वाई पी बी का रोल जैसे स्टार्ट हुआ वो हम पूरी हिस्ट्री जो है बच्चों अब वो हम देखेंगे अब जैसे उनका ये एफ वाई पी बी को उन्होंने फ्रेम कर दिया एज ए नेशनल एजेंसी जो हमने कहा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे उन्होंने इसको फ्रेम किया कब 1991 में ओके okay, बच्चों अच्छा ये क्या ऑफर करता है ये ऑफर करता है सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर एफ के प्रपोजल जो डायरेक्टली ऑटोमेटिक रूट से नहीं आते हैं जहां गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत है तो एफ भी उनको देता है अब ध्यान दो जब एफ ये परमिशन देता है तो परमिशन देते समय अगर वो जो एफ है उसका अमाउंट अप टू थ्री हंड्रेड करोड़ तक है या उससे कम है अगर उसकी लिमिट जो है एफ का प्रपोजल तीन सौ करोड़ या तीन सौ करोड़ से कम है तो शुरू शुरू में उन्होंने किसको ये पावर दिया उन्होंने पावर दिया ई सी एफ आई को यानी एम्पावर्ड कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर 300 करोड़ तक एफ का प्रपोजल है तो उनका अप्रूवल एफ पी आई ने किसको दे दिया ई सी एफ आई को यानी इम कमिटी ऑन फॉरन इन्वेस्टमेंट तीन सौ करोड़ तक डिसीशन आप ले सकते हो बट अगर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल थ्री हंड्रेड करोड़ से ज़्यादा है तो अगर 300 करोड़ से ज़्यादा है तो वो पूरा पावर दे दिया गया सी को सी सी यानी कैबिनेट कमेटी कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो जो कैबिनेट कमेटी था उसको पूरा पावर दे दिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपका इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से ज्यादा है तो आप भाई इसका डिसीजन ले लो यानी कंप्लीटली कंट्रोल सी को दे दिया गया 300 करोड़ से कम है तो ई यानी इम्पावर्ड कमिटी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे थी और अगर वो आपका 300 करोड़ से ज़्यादा है तो सी सी एफ आई यानी कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये आपकी इकनॉमी में चला लेकिन धीरे धीरे जैसे इकनॉमी आगे ग्रो होती गई तो 1995 में उन्होंने फिर से एक बॉडी बनाई जो मैंने कहा डिप यानी डी आई पी पी इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों हमने कहा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन कब बनाया बच्चों ये बनाया हमने 1995 में ये ब्लैंक भी आता है ये 1995 में हमने इसको सेटअप किया अब यहाँ पे एफ पी जो हमारी ये बॉडी थी एफ आई पी भी इन्होंने क्या किया इस बॉडी के पूरे जो सेटअप था उसको ट्रांसफर किसको कर दिया डिप को यानी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जहाँ जहाँ एफ डी आई जहाँ जहाँ हमारे फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे एफ पी आई को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया अब जब एफ आई पी भी जो हमारे डिप के अंडरटेक बहुत अच्छी तरह से फिर परफॉर्म कर रही थी तो थोड़ा आपके फंड्स में फिर चेंज आया वो क्या चेंज आया सी फिर से बच्चों अगर आपके उस बिजनेस में यानी एफ डी आई का जो अप्रूवल है वो अप टू सिक्स हंड्रेड करोड़स लिमिट डबल हो गई अगर आपके इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जो है वो 600 करोड़ तक है तो हु विल बी गिवन द पूरा का पूरा पावर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दे विल अप्रूव द एफ का प्रपोजल का प्रपोजल 600 करोड़ डिप ने क्या किया कि 600 करोड़ तक अगर सपोज एफ आता है लिमिट डबल कर दिया देखो उन्होंने काफ़ी एक्सपांशन एफ के जो पॉलिसीज़ हैं उनको धीरे धीरे लिबरलाइज करते जा रहे हैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को न्यू टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलना चाहिए फॉरेन असिस्टेंस मिलना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत से सेक्टर्स में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करने का डिसीजन लिया तो जो हमारी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है उनको उन्होंने पावर दिया कि दे विल एक्सेप्ट द प्रपोजल अप टू सिक्स करोड़ लेकिन अगर 600 करोड़ से ज्यादा है तो फिर से से 600 करोड़ से ज्यादा है तो अगेन दिस पावर बी गिवन टू यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट 600 करोड़ से ज्यादा है तो सी सी एफ आई विल अप्रूव दी आई प्रपोजल मोर देन 600 करोड़ इस तरह से उन्होंने इसको कंटिन्यू किया हाँ फिर 2003 में और सा, बहुत सारी चीजें एफ़ आई पी बी को उन्होंने अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक अफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व किया ताकि 2006 से वो ईजिली मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की लेवल के भी डिसीजन उनको ट्रांसफ़र कर सके यानी काफ़ी बदलाव टाइम के साथ होते गए अच्छा फिर हमने ये भी देखा कि ये जो एफ आई पी बी था जैसे धीरे धीरे वो अपना काम बढ़ाते गए कि उन्होंने जैसे मैंने कहा उन्होंने अपनी लिमिट को यानी बढ़ा दिया 300 से सीधा 600 करोड़ फिर अगर 600 करोड़ से भी ज़्यादा है तो उन्होंने सी सी एफ आई को यानी कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनको पावर दे दिया अच्छा एफ आई पी बी ने ऑल्सो इंट्रोड्यूस किया ई e फाइलिंग बच्चों उन्होंने ई e फाइलिंग जो है वो भी स्टार्ट किया अब ई फाइलिंग से फ़ायदा ये होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो हमें एप्लीकेशन मिलता है वो डायरेक्टली ये फैसिलिटीज जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिया गया अब ये ई फाइलिंग की फैसिलिटी इसके लिए दिया गया ताकि हमारे जो एफडीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको थोड़ा सिम्पलीफ़ाई किया जाए प्लस एफिशिएंसी बढ़ाई जाए प्लस ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए तो ये भी कोशिश की गई अच्छा ई फाइलिंग के साथ ई कम्युनिकेशन भी लाया गया जो एफ आई पी बी ने लाया ई कम्युनिकेशन ने फिर आपको क्या दिया आपको क्विकर प्रोसेसिंग आपको टाइम दिया प्रोसेसिंग आपका फास्ट होने लगा पेपर वर्क जो था वो रिड्यूस हो गया और कम्युनिकेशन से हर चीज़ हमने क्या कहा एफिशिएंसी बढ़ेगी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा उन्होंने एसएमएस के थ्रू भी आपको ई कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया यानी एसएमएस भेजना ईमेल के थ्रू अलर्ट भेजना ये सब आपके एफ ने करना शुरू कर दिया अच्छा नॉट ओनली दैट लेकिन आजकल भी हम देखते हैं यानी एट प्रेजेंट अगर हम लोग पोजिशन देखें बच्चों तो इट आल्सो कंसिडर एफ डी आई प्रपोजल ये जो हम लोग देखते हैं ये बहुत सारे प्रपोजल कभी कभी ऐसे हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो भी वो सी सी एफ आई को कंसिडर करने के लिए रेफ़र करने के लिए बोल देते समझो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उनको लगता है 300 करोड़ से जो उनका लिमिट था या 600 करोड़ से कम उनका लिमिट था वहाँ उनको कंसिडर करने के लिए दिया इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने उसको सपोज रिजेक्ट कर दिया तो दे कैन गिव रेफरेंस टू सी सी एफ आई वो सी सी एफ आई का रेफरेंस दे सकते हैं एफ आई पी भी कि आप जाओ आप जाके सी सी एफ आई से मिलो उनके सेक्रेटरी से बात करो एंड इफ दे विल कंसिडर इट ओके तो फिर आपका एफ डी आई को परमिशन मिल जाएगा तो जो पहले प्रपोजल रिजेक्ट हो चुके हैं या सपोज़ कहीं पर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने उनको रिजेक्ट कर दिया तो ऐसे भी कंसिडर जो है वो सी सी एफ आई कर सकते हैं अच्छा एक और चीज़ जो मैंने अभी अभी आपको कहा कि उन्होंने हमारे हमें दैट इज़ ई फाइलिंग का एक हमें दिया लेकिन एक सेपरेट पोर्टल भी दिया और वो पोर्टल था एफ आई एफ पी कौन सा पोर्टल हमने कहा बच्चों एफ आई एफ पी का पोर्टल फुल फॉर्म क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है ये एट प्रेजेंट बहुत ही सक्सेसफुली जो है वो काम कर रहा है अंडर द डिपेट दैट इज डी पी आई आई टी इसके नीचे काम कर रहा है अब ये क्या है डिपेट जब हम बोलते हैं दैट इज डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसके नीचे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया एफ आई एफ पी एफ़ आई एफ पी पोर्टल यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल इसमें क्या है अगर किसी को भी एफ डी आई के लिए अप्रूवल चाहिए आपको परमिशन चाहिए तो क्या होता है यहाँ पे आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आप वहाँ पे पोर्टल पे जो है वो आ, प्रपोजल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फिर जो वो कंसर्नड मिनिस्ट्री होगी वही सब जो है पूरा का पूरा रिक्वेस्ट जो होगा इट विल बी गिवन टू अ कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री उनको वो ट्रांसफर किया जाता है तो वो कंसर्न मिनिस्ट्री है सपोज अगर आपको हेल्थ मिनिस्ट्री है तो हेल्थ मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया जाएगा अगर वो रेलवे मिनिस्ट्री है तो रेलवे मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया जाएगा तो इस तरह से वो कंसर्न मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया जाएगा ये एट प्रेजेंट सिचुएशन है बच्चों ये एट प्रेजेंट होता है तो ये कंप्लीट चेंज हुआ है एफ आई पी बी के वक्त में अब देखो रिकमेंडेशन ऑफ एफ आई पी बी ये पूरा रिविजन है आपका जो मैंने अभी अभी, अभी आपको एक्सप्लेन किया देखो कैसे यूनियन कैबिनेट उन्होंने क्या लिबरलाइज किया हमारे एफ की जो पॉलिसी है उसको पूरा लिबरलाइज़ कर दिया बाय अलाउिंग द एफ टू क्लियर द प्रपोजल फ्रॉम द ओवरसीज एंटिटी अप टू थर्टी बिलियन्स देखो उन्होंने हमारी एफ पॉलिसी को लिबरलाइज़ किया पहले कितना था 12 मिलियंस तक उनको लिमिट अलाउड थी अभी उनकी लिमिट को 12 मिलियन से उन्होंने ढाई गुना ज्यादा कर दिया यानी 30 बिलियन तक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते तो फिर से पॉइंट यूनियन कैबिनेट ने लिबरलाइज किया एफ पॉलिसी बाय अलाउविंग एफ टू क्लियर द प्रपोजल्स फ्रॉम द ओवरसीज एंटिटीजन इंडिविजुअल या गवर्नमेंट कब तक कहां तक, okay, अच्छा, जो पोजिशन है प्रपोजल्स मोर देन थ्री थाउजेंड करोड़ अगर आपका थर्टी बिलियन थ्री थाउजेंड करोड़ से ज्यादा है इट नीड टू बी अप्रूव बाई सी सी एन कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स हमने पहले ही कहा कि इकनॉमिक अफेयर्स जो हैं दैट इज सेक्रेटरी उसका हमेशा उसका हिस्सा रहता है तो अगर थ्री थाउजेंड करोड़ से ज़्यादा अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो वो कौन करेगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स क्योंकि अप टू फाइव थाउजेंड करोड़ तक अगर आपको कोई भी एफ डी आर का प्रपोजल हो के करना है तो इट विल बी बाय द एफ आई पी बी लेकिन अगर फाइव थाउजेंड से ज़्यादा है तो इट विल बी कम्प्लीटली गिवन पावर टू सी सी आई को हमने दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑफ़ दैट इज़ अभी अभी हमने कहा एफ आई दैट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट पूरा पावर इनको अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो तो इसके लिए उन्होंने क्या किया प्रपोजल्स मोर देन थ्री थाउजेंड करोड़ नीड टू बी अप्रूव बाय सी सी ई एनि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स देन गिव द रिकमेंडेशन टू इंडस्ट्री मिनिस्टर जो अभी अभी हमने कहा अगर इंडस्ट्री मिनिस्टर है तो वो कहाँ तक देगा 600 करोड़ या उससे कम लेकिन 600 करोड़ से ज्यादा है तो उसके लिए हमने किसको कहा सीसी को तो ऑल्सो गिव रिकमेंडेशन टू सी सी एफ आई कैबिनेट कमिटी ऑन फॉरिन इन्वेस्टमेंट फॉर द एफ डी आई मोर देन सिक्स हंड्रेड करोड़ 600 से ज़्यादा है तो सी सी एफ आई को हम लोग देंगे देखो वही सेम उन्होंने किया देन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे एफ आई पी बी ने अब तक जो है वो अप्रूव किए हैं बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट्स जैसे कोको कोला है मैगडी है मैकडोनल्ड्स बच्चों आप सबका फेवरेट है देन हम देखते हैं जर्नल इलेक्ट्रिकल दैन फिजिट्स टू एक्सेट्रा ये सब जो है वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं बाय द एफ पी एफ आई पी बी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड तो हम उसे एफ आई पी बी कहते हैं तो इनकी ये चार पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं कोको कोला मैकडोनल्ड्स जनरल इलेक्ट्रिक बहुत इजी है और टू ये मोस्टली उनके पावरफुल प्रोजेक्ट्स हैं अच्छा लेकिन एबॉलिश अब यहाँ से आता है आपको एक ब्लैंक ये जो एफ आई पी बी है बच्चों ये जो है वो अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर था तो उन्होंने 2017 और 18 की बजट को जब उन्होंने बताया लोकसभा में तो उस समय इस एफ को उसने क्या कर दिया एबॉलिश तो एबॉलिश 24 मई 2017 को फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ड्यूरिंग द 2017 का बजट जब स्पीच दिया लोकसभा में तो एफ को एबॉलिश कर दिया और उसके एबॉलिश के बाद अभी हमने क्या कहा उन्होंने एक अलग पोर्टल बना दिया एफ आई एफ पी दैट इज फॉरन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्ट और एक पावर वो पूरा किसको दे दिया है डिपिट को दे दिया है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड उसमें अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई भी अगर एप्लीकेशन अप्रूवल आता है तो हम क्या करते हैं उस कंसर्न मिनिस्ट्रीज को ट्रांसफर कर देते हैं कि आप ही उसको कंप्लीटली मॉनिटर करो तो इस तरह से आजकल पोर्टल के थ्रू हम लोग हर एक एफ डी आई को कंप्लीटली मॉनीटर करते okay बच्चों अब ये जो पूरा FPIB का हमने पूरा का पूरा वर्किंग फंक्शन देखा अब हम देखेंगे मेन फंक्शंस क्या तो ये बच्चों मैंने फंक्शंस भी आपको दिए हैं जो नोट्स में भी बहुत इजीली आपको सेम टू सेम प्रोवाइडेड है नाउ फंक्शंस ऑफ एफ पहला पहला फंक्शन क्या है टू आइडेंटिफाई दैक्टर्स दैट रिक्वायर एफ डी आई यानी ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जिसे हमने कहा 1991 में हम हमेशा कंसिडर करते हैं कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिसमें 34 फोर प्रायोरिटी सेक्टर्स की लिस्ट बनाई गई वहाँ पे एज पर दिक्वायरमेंट्स हमने एफ को अलाउ किया यानी परमिशन दिया गया तो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एफ पी एफ आई पी भी उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर्स की लिस्ट बनाई तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई करते हैं कौन से कौन से सेक्टर्स को कितनी ज़रूरत है नेक्स्ट क्विकली अप्रूव एफ डी आई का प्रपोजल जिसके लिए मैंने कहा ई फाइलिंग उन्होंने स्टार्ट किया ई कम्युनिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया या उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल जो है एफ आई एफ पी का भी उन्होंने स्टार्ट किया ताकि क्विकली अप्रूव हम कर सकें थर्ड जो है टू रिव्यू द एफ डी आई पॉलिसी क्योंकि एफ डी आई की पॉलिसीज़ को धीरे धीरे रिव्यू करना है चेंज करना है बदलते समय के साथ हमें भी बदलना है तो इसके लिए जितनी टेक्नोलॉजी चेंज होगी ज़रूरत बढ़ती है तो उस हिसाब से हमें अपनी पॉलिसीज़ को भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई अपग्रेड करना है तो इसके लिए टू रिव्यू द एफ डी आई का पॉलिसी एंड आल्सो वी हैव टू कम्युनिकेट विद द अदर एजेंसीज ताकि हम सेट कर पाए न्यू गाइडलाइंस क्योंकि मैंने पहले कहा हमारे इंडियन इकोनॉमी के पास वेल डिज़ाइन एफ का रूल्स एंड रेगुलेशन का रिजम है तो वो गाइडलाइंस का पूरा जो है वो ख्याल रखती थी एफ तो उन्होंने प्रॉपरली उसको ध्यान दिया नेक्स्ट था टू कम्युनिकेट विथ एफ उनके साथ दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल दैट हैज़ बीन सेटअप इन द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री क्योंकि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के पास अप टू छः सौ करोड़ का परमिशन था और हमेशा इंडस्ट्री सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग है मीडियम माइक्रो एम एस एम ई सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग है लार्ज सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग है तो इसके लिए वो कम्युनिकेट करेंगी ताकि उनका एक्सपोर्ट लेवल बढ़े बिकॉज ऑफ एफ डी आर तो इसके लिए टू कम्युनिकेट विथ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन काउंसिल दैट हैज टू बी सेटअप विद द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री तो यह भी उन्होंने ध्यान दिया नेक्स्ट था फिफ्थ था टू लुक ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफ डी जब हमने एफ़ का अप्रूवल दिया परमिशन मिला तो एफ कितना आया किस तरह से इन्वेस्ट हुआ किस तरह से वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ उसकी वजह से एक्सपोर्ट लेवल जो है वो बढ़ा फॉरेन करेंसी में इफ़ेक्ट आया ये भी देखना ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट बढ़ा आउटपुट बढ़ा एक्सपोर्ट बढ़ा क्योंकि दिस इज़ द कम्पलीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफ तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू लुक ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफ ये भी ध्यान देना था नेक्स्ट था टू कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो एंड द प्रपोजल जो डिफरेंट हम लोग कहते हैं टू कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री बॉडी टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ एफ उन्होंने हमेशा कोशिश की कि एफ के लिए जैसे आपने देखा था 2014 में अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही हीज़ विजिटेड टू ईच एंड एवरी फॉरेन कंट्रीज फॉर वॉट परपज ताकि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़े डेवलपमेंट बढ़े क्योंकि हम चाहते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस और हम अचीव करना चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एक कोऑपरेशन का होना वो बहुत ज़रूरी था और वो कोऑपरेशन जो चाहिए था वो हमें मिल सकता है व्हेन वी विल ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद द डिफरेंट कंट्रीज उनकी कंट्रीज़ का जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा या हमारे इकोनॉमी का जो ह्यूमन कैपिटल है वो फॉरेन कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड को टच कर पाएगा इतना स्किल्ड डेवलपमेंट होगा तो इसके लिए टू कम्युनिकेट विद गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट या इंडस्ट्रीज बॉडी टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ एफ और जो स्पेशली हमने देखा अभी भी हमने जी समिट का जब देखा था ट्वेंटी में तो उस समय हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत हमारे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट था कि अब नरेंद्र मोदी ही बिकेम द सी ई यानि चेयरमैन पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो आ, हमारे इकनॉमी में ग्रोथ होगा डेवलपमेंट होगा उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने इसको दे दिया ताकि हर सेक्टर को ग्रोथ मिले हर सेक्टर में जो पॉसिबल चेंजेस हैं वो हम लेके आएँ तो ये क्या है वी हैव टू कम्युनिकेट विद गवर्नमेंट के साथ नॉन गवर्नमेंट के साथ और वेरियस इंडस्ट्री बॉडी के साथ नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट एंड अट्रैक्ट द इंटरनेशनल कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया यही सेम हमने अभी भी कहा कि अवर प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज विजिटेड टू अदर कंट्रीज उन्होंने उन्हें अट्रैक्ट किया मोटिवेट किया कि इंडिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट अलग अलग सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड दे विल गेट द बेटर रिटर्न्स और उनको रिटर्न जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे तो ये जो कम्युनिकेशन था ये करना एफ आई पी बी का काम था ताकि हमारी इकनॉमी में जो फॉरेनर्स हैं दे शुड बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मोर लास्ट टू टेकअप ऑल अदर एक्टिविटीज़ टू इनक्रेज एफ डी आई इन इंडिया यानि हमेशा टाइम के साथ हमें हमेशा एफर्ट्स करने हैं कि न्यू न्यू इनोवेटिव एरियाज़ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो बढ़ाएं, आउटपुट बढ़ाएं, कोशिश करें एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई जो है वो इन हमारे इंडिया में एक अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया बन जाए जैसे हमने कहा प्लेटफॉर्म एफ यानी इंडिया विल बिकम द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर वेरियस पर्सनस यानी बहुत से फॉरन एंटिटीज़ के लिए इंडिया विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म तो टू इन्वेस्ट इन कंट्री ताकि उनको लगे हमने इंडिया में इन्वेस्ट किया है यानी रिटर्न तो डेफिनेट मिलेंगे वैसा स्टैंडर्ड हमने अभी मेंटेन किया है क्योंकि हमारी इकनॉमी क्या है फास्ट ग्रोइंग इकनॉमी तो हमेशा एफ जो है वो कोशिश करती है कि इस तरह के एफ़ को इंडिया में ज़्यादा अट्रैक्ट करना इन्वेस्ट करना और वो भी मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज़ में ताकि हमारे इकनॉमी का एक्सपोर्ट लेवल बढ़े प्रोडक्शन बढ़े आउटपुट बढ़े जीडीपी बढ़े रिटर्न बढ़े और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़े तो ये थे फंक्शंस ऑफ़ एफ पी ए लेकिन ये एफ आई पी बी जो थी वो कब एबॉलिश हुई बच्चों ये एबॉलिश हुई ऑन ट्वेंटी फोर्थ 2017 टू थाउजेंड सेवेंटीन में जब प्राइम मिनिस्टर अरुण जेटली सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली उन्होंने लोकसभा में जब 2017 की बजट को प्रोड्यूस किया तो उन्होंने एफ को एबॉलिश कर दिया उसकी जगह अभी क्या आ गया डिपिट आ गया अब डिपिट जो है उन्होंने एक अलग से पोर्टल बना दिया है दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्ट अब ये पूरी अथॉरिटी जो है वो हर एक को कंट्रोल करता है जब भी एफ का कोई प्रपोजल आता है वो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को दिया जाता है ओके बच्चों, तो ये था एफ आई पी बी ये आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है कभी कभी वो कहता है फंक्शंस ऑफ एफ आई पी बी तो आप जब फंक्शन कहे, तो बस इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसके मेंबर्स कौन से हैं कोई भी तीन चार आपको इतने सारे सेक्रेटरी लिखने की जरूरत नहीं है और इसमें से आप कोई भी आप फंक्शंस लिख सकते Okay, Bacho. So if you like this video, you can share with your maximum friends. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.